कार्तिक पूर्णिमा पर क्षेत्र के ख्यातनाम धार्मिक आस्था स्थल त्रिवेणी संगम बनास बैडच मैनाली नदी के तट पर महास्नान करने वाले दूर दराज से आस्था की डुबकी लगाने एवं पुण्य अर्जन के लिए श्रद्धालुओं के सूर्योदय के साथ ही आने वालों का दौर शुरू हो गया। प्रशासनिक दृष्टि से त्रिवेणी नदी एवं प्राचीन भोलेश्वर शिव मंदिर क्षेत्र में सुरक्षात्मक दृष्टि से माकुल प्रबंध गुरुवार को किए गए। नदी तट पर स्नान करने वाले श्रद्धालु महिला पुरुषों की आवाजाही शुरू हो गई। कार्तिक मास का स्नान करने वाले आज दीप दान महास्नान कर पुण्य का उपार्जन करेंगे, श्रद्धानुसार दान करेंगे। ब्रह्म चतुर्दशी गुरुवार को भी स्नानार्थी दिन भर रिमझिम वर्षा के कारण ठिठुर में भी पहुंचे। शुक्रवार को महास्नान के लिए आने वाले लोगों की आवाजाही में मार्ग व्यवस्था, वाहन ठहरा के पार्किंग स्थान, नदी क्षेत्र में नाव गाथाखोर आदि प्रबंध कर रहे। पवित्र नदी पर महाभिषेक, यज्ञ, हवन, वेद पाठ आदि आयोजन भी हो रहे हैं। मौसम में नमी के चलते लोगों की अपेक्षा अनुसार स्नानार्थियों की आवाजाही प्रभावित है। मुकुटपुरिया पंचायत ने स्थानीय के लिए साफ सफाई, रोशनी एवं पेयजल व्यवस्था के प्रबंध किए हैं। एवं पुलिस प्रशासन बिगोद ने त्रिवेणी क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अंजाम दिया है। पुलिसकर्मी भी त्रिवेणी संगम नदी तट पर एवं क्षेत्र में मौजूद है। बिगोद थानाधिकारी ठाकरा राम, मुकुटपुरिया सरपंच हरजी राय का गुरुवार को त्रिवेणी संगम क्षेत्र में व्यवस्थाओं के प्रबंध में जुटे रहे। व्यवस्थाओं के माकुल प्रबंध है विदित रहे। विगत दो वर्ष से कोरोना संक्रमण काल के कारण कार्तिक पूर्णिमा पर त्रिवेणी संगम नदी तट पर महास्नान करने आने वालों पर प्रतिबंध था। दो वर्ष बाद इस नदी तट पर सार्वजनिक रूप से श्रद्धालुओं का आज महास्नान हो रहा है।